हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप BGM एंड PUBG जैसा गेम में इंटरेस्ट रखते हो और आप इस गेम में जायरोस्कोप यूज करते हो, तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपके साथ हुआ होगा कि आपका जो जायरोस्कोप है उल्टा काम करने लग जाता है। जैसे कि कभी ना कभी ऊपर चला जाता है जायरोस्कोप ऑटोमेटिक, और कभी नीचे होता है, कभी टेढ़ा जाता है। इस तरह इसको फाइनली फिक्स करना है और किस लिए होता है इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप BGM एंड PUBG जैसा गेम में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, अनदर आप बोरिंग हो जाओगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है। तो देखिए, BGMI एंड PUBG एक ऑनलाइन गेम है, ऑनलाइन सर्वर गेम है। तो प्रॉब्लम वहां से होता है जब भी आप किसी सर्वर में लॉगिन करते हो, मतलब आप जब भी BGMI एंड PUBG जैसा गेम में एंटर करते हो, ऐप को ओपन करते हो, और वो लॉगिन करते टाइम एक प्रॉब्लम से, एक नेटवर्क प्रॉब्लम से ये होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में बैठ के PUBG एंड BGMI जैसा गेम को एंजॉय करते हो, और वो वहाँ पे हो सकता है, जैसे कि आप एक जगह में अगर बैठ के खेलते हो तो हो सकता है कि वही जगह में आपका अच्छा नेटवर्क आता है और वहीं पे एक अच्छा फास्ट वाईफाई कनेक्ट होता है आपका फोन में, तो आप वहाँ पे आराम से स्मूथली BGMI को एंजॉय करते हो। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है जब भी आप वो प्लेस छोड़ के सेकेंड प्लेस में चला जाते हो और वही प्लेस में आप BGMI एंड PUBG जैसा गेम को ओपन कर लेते हो, और वहाँ पे वही नेटवर्क होता है एज कम्पेयर टू फास्ट प्लेस। यानी फर्स्ट प्लेस में आपका अच्छा नेटवर्क पकड़ रहा था, अब नया एक प्लेस में जाके BGMI को ओपन कर लिए और वहाँ पे अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो सर्वर से कनेक्ट होते टाइम अगर नेटवर्क इशू होगा, लो नेटवर्क होगा, तो वहाँ से आपका जायरोस्कोप प्रॉब्लम दिख सकता है। सेकेंड वे है कैसे रिमूव करना। जैसे कि आप मान लीजिए आपका BGMI का गेम का जो कैसे है उनको रिमूव कर दिए, मेमोरी को साफ करने का चक्कर में प्रॉब्लम वहाँ पे होता है। कैसे एक ट्रेस है, जैसे ही आप एक ऐप में एंटर करते हो वहाँ पे एक लॉग इन करते टाइम एक ट्रेस बन जाता है। जैसे एक ऑनलाइन सर्वर गेम है, वो सर्वर में एक ट्रेस छोड़ के आता है और वो ट्रेस सेकंड टाइम ओपन करने का टाइम किसी भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप जब किसी भी ट्रेस को यानी कैचे को रिमूव कर दोगे तो वो नया एक IP से सर्वर से कनेक्ट होता है। अगर वहाँ पे भी अगर कनेक्ट होने में किसी भी दिक्कत आए तो आपको जायरोस्कोप का जो इतना भी प्रॉब्लम है ये दिख सकता है। अब बात करते हैं कि जायरोस्कोप को ठीक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको BGMI एंड PUBG की जो भी सेटिंग्स है सेटिंग्स में आना है, देन कंट्रोल, कंट्रोल से एडवांस कंट्रोल, देन आपको नीचे स्क्रॉल करके जायरोस्कोप ऑप्शन में आना है, देन आपको जायरोस्कोप को क्लोज कर देना है। क्लोज करके आपको BGMI को हटा देना है यानी मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करके आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी BGMI ऐप है उनको पूरा ऑफ करके फिर से आपको BGMI को ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक सर्वर से कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो भी इंटरनेट है फास्ट होना चाहिए, जब भी आप लॉगिन कर रहे हो इंटरनेट स्पीड में कमी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देन आप जैसे ही अपना जायरोस्कोप को ऑफ किए थे, फिर ओपन करने के बाद जायरोस्कोप को ऑन करके चेक कीजिए आपका प्रॉपर जायरोस्कोप वर्क कर रहा है या नहीं। अगर फिर भी वर्क नहीं करता है तो आपको फिर से आपको जायरोस्कोप को ऑफ करना है। ऑफ करके आपको जो भी BGMI ऐप यूज कर रहे हो उनको मिनिमाइज करके पूरा पूरा हटा देना है। देन आपको BGMI को लॉन्ग टैप करना है एंड ऐप इन्फो में जाके यहाँ पे क्लियर डाटा के ऊपर टैप करके क्लियर कैच वे कर देना है। जैसे आप पुराना वाला ट्रेस था वो आपको हटा देना है। फिर आपको BGMI को ओपन करना है एंड ओपन करने का पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जैसे आप लॉगिन करोगे फिर आपका फ़ोन जो है सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा एंड देन आप फिर से जो जायरोस्कोप को ऑफ किए थे वहाँ पे आपको ऑन करके चेक करना है, प्रॉपर आपका ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देते हैं। और किसी भी टॉपिक एंड प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट कीजिए एंड वीडियो अगर पसंद आते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद जय भारत। I'm gonna go to the bathroom.